हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट, और चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ फिलिप सिडनी सोनेट। जो फिलिप सिडनी थे उनके सोनेट्स का टाइटल क्या था? ए एस्ट्रोफेल, बी स्टेला, सी एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, एंड डी ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द कलेक्शन ऑफ सोनेट ऑफ स्पेंसर। अब जो स्पेंसर थे उनके सोनेट के कलेक्शन का क्या टाइटल था? ए पेनेलोपी, बी अमोरेटी, सी द ओल्ड वाइव्स, एंड डी फ्रायर। सो राइट आंसर इज बी, अमोरेटी। अमोरेटी का मीन्स होता है लिटिल लव्स और लिटिल क्यूपिड। नेक्स्ट इज, हाउ मैनी सोनेट्स आर देयर इन अमोरेटी। ए 87, बी 88, सी 89, एंड डी 90। सो राइट आंसर इज सी, 89। टोटल कितने सोनेट्स थे? 89 सोनेट्स उन्होंने लिखे हैं। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द राइमिंग पैटर्न ऑफ स्पेंसेरियन सोनेट। जो स्पेंसेरियन सोनेट थी उनकी राइमिंग स्कीम क्या थी? सो राइट आंसर इज डी, ए बी बी ए, ए बी बी ए, सी डी सी, डी सी डी। नेक्स्ट इज, हु रोट द कलेक्शन ऑफ द सोनेट टाइटल आइडियाज मिरर। जो आइडियाज मिरर है वो किसके द्वारा लिखा गया था? ए स्पेंसर, बी हेनरी हावर्ड, सी फिलिप सिडनी, एंड डी माइकल ड्रेटन। सो राइट आंसर इज डी, माइकल ड्रेटन। नाउ नेक्स्ट इज, हु इज़ कॉल्ड द ग्रेटेस्ट सोनेटियर ऑफ एलिजाबेथन। ए एलिजाबेथन एज के समय में किसको ग्रेटेस्ट सोनेटियर कहा गया है? ए विलियम शेक्सपियर, बी सर फिलिप सिडनी, सी माइकल ड्रेटन, एंड डी हेनरी हावर्ड। सो राइट आंसर इज ए, विलियम शेक्सपियर। हाउ मैनी सोनेट शेक्सपियर कम्पोज, कितने सोनेट्स जो है उन्होंने कम्पोज किए थे? ए 155, बी 154, सी 157, एंड डी 158। सो राइट आंसर इज बी, 154। नेक्स्ट, टू होम शेक्सपियर डेडिकेटेड मोस्ट ऑफ हिज सोनेट। अपने ज़्यादा सोनेट उन्होंने किसको डेडिकेट किए हैं? ए एलिजाबेथन, बी सर फिलिप सिडनी, सी मिस्टर डब्ल्यू एच, एंड डी माइकल ड्रेटन। सो राइट आंसर इज सी, मिस्टर डब्ल्यू एच। उनको 1 से लेकर 126 तक जो सोनेट थे वो उन्होंने किसको डेडिकेट किए हैं? मिस्टर डब्ल्यू एच को। और उसके बाद जो बाकी के सोनेट थे वो उन्होंने डेडिकेट किए एक डार्क लेडी को, और लास्ट के जो 2 सोनेट्स हैं वो डेडिकेटेड किए गए थे क्यूपिड को। नाउ नेक्स्ट इज, टू होम शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज रिमेनिंग सोनेट। 127 से 152 तक किसको किए हैं? सो अभी मैंने बताया, सो राइट आंसर इज ए, डार्क लेडी। हाउ मैनी लाइन्स अ सोनेट हैज़। सोनेट में कितनी लाइंस थी? ए 12, बी 13, सी 14, एंड डी 15। सो राइट आंसर इज सी, 14। टोटल 14 लाइंस का वो सोनेट लिखते थे। हु? मिस्टर विलियम शेक्सपियर। नाउ नेक्स्ट, विलियम सिडनी पॉटर रोट अंडर द सुडोनिम ऑफ। तो जो विलियम सिडनी पॉटर थे वो किस पेन नेम से लिखते थे, मतलब अपना असली नाम छिपाते थे और एक पेन नेम यूज़ करते थे, तो हमें बताना है कि वो क्या था, कौन सा था? ए ओ हेनरी, बी जॉर्ज डब्ल्यू केबल, सी हेनरी जेम्स, एंड डी मार्क ट्वाइन। सो राइट आंसर इज ए, ओ हेनरी। नेक्स्ट, हु पॉपुलराइज द टर्म लॉस्ट जनरेशन। लॉस्ट जनरेशन जो टर्म है वो किसने पॉपुलराइज की थी? ए हेमिंगवे, बी फॉकनर, सी फॉकनर, एंड डी मेलविले। सो राइट आंसर इज ए, हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा लॉस्ट जनरेशन जो है ये टर्म जो है यूज़ की गई थी, पॉपुलराइज की गई थी। नेक्स्ट इज, पुलित्ज़र प्राइज इज़ अवॉर्डेड बाय। किसके द्वारा ये प्राइज़ दिया जाता है? ए द अमेरिकन गवर्नमेंट, बी द काउंसिल ऑफ अमेरिकन आर्ट्स एंड लेटर, सी द फोर्ड फाउंडेशन, एंड डी कोलम्बिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। सर राइट आंसर इज डी, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा जो है इस प्राइज़ को दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज, द बुकर प्राइज फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नॉवल इज अवॉर्डेड बाय। ए मैन ग्रुप गिल्डहॉल लंडन इंग्लैंड, बी द स्वीडिश अकेडमी नॉर्वे, सी द अमेरिकन अकेडमी, एंड डी द फोर्ड फाउंडेशन। सो राइट आंसर इज ए, मैन ग्रुप गिल्डहॉल लंडन इंग्लैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ वर्स ऑफ टू लाइन्स लेंथ राइमिंग विद ईच अदर एट एंड इज कॉल्ड। टू लाइन्स जो लास्ट में क्या करती है, एक दूसरे से राइम करती है, उनको क्या कहा जाता है? ए क्वाट्रेन, बी टर्जा रीमा, सी कपलेट, एंड डी ओटावा रीमा। सो राइट आंसर इज सी, कपलेट। नाउ नेक्स्ट इज, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? द मोर हैस्ट द लेस स्पीड। ए सिमली, बी मेटाफर, सी आयरनी, एंड डी एपिग्राम। सो राइट आंसर इज डी, एपिग्राम। इसमें एपिग्राम है। नेक्स्ट इज, नेम द फिगर ऑफ स्पीच। इसमें भी हमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। बॉयज विल बी बॉयज। ए एपिग्राम, बी पर्सोनिफिकेशन, सी लियोटस, एंड डी मेटिनोमी। सो राइट आंसर इज ए, एपिग्राम। सो ये दोनों ही एपिग्राम के एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट इज,
हु आर रोजनक्रेंज एंड गिल्डेनस्टर्न, ये कौन थे? ए हैमलेट्स फ्रेंड, बी हैमलेट कजन, सी क्लोडियस जनरल, एंड डी गर्टूड मैसेंजर। सो राइट आंसर इज ए हैमलेट फ्रेंड, ये दोनों हैमलेट के फ्रेंड थे। नेक्स्ट इज हुम डज 14 ब्रास वेयर ही विल नॉट अटैक, कि वो उसे अटैक नहीं करेगा। ए द पोल्स, बी द इटालियन, सी द डेंस, एंड डी द स्पेनिश। सो राइट आंसर इज सी द डेंस, कि वो डेंस पर अटैक नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डज पॉलिनस प्लान टू प्रूव हैमलेट्स लव फॉर ओफीलिया, उसने क्या प्लानिंग की कि वो ओफीलिया से प्यार करता है, वो इस चीज़ को प्रूव करके रहेगा। ए हैव हिम फॉलोअ्ड, बी स्पाई ऑन हिम पर्सनली, सी राइट अ लेटर एज ओफीलिया, एंड डी चैलेंज हिम टू अ ड्यूएल। सो राइट आंसर इज बी स्पाई ऑन हिम पर्सनली, कि वो उसकी जासूसी करेगा। नेक्स्ट इज वॉट प्ले डज हैमलेट वॉन्ट द प्लेयर्स टू परफॉर्म, सो हैमलेट ने क्या किया था, इसमें एक प्ले करवाया था अपने जो उसके चाचा था उसकी ये प्रूव करने के लिए कि उसने उसके पिता को मारा है, तो कौन सा प्ले था? ए द मर्डर ऑफ गोंजैगो, बी द ओडिपस रैक्स, सी बीवुल्फ, एंड डी फॉस्ट। सो राइट आंसर इज ए द मर्डर ऑफ गोंजैगो। नाउ नेक्स्ट इज हाउ विल क्लोडियस रिएक्ट टू द प्ले अकॉर्डिंग टू हैमलेट, हैमलेट के अकॉर्डिंग जो क्लोडियस था जिसने उसके पिता को मारा था उसने कैसे रिएक्ट किया? ए ही विल लाफ, बी ही विल क्राई, सी ही विल एंजॉय इट, एंड डी ही विल अपियर गिल्टी। तो राइट आंसर इज डी, ही विल अपियर गिल्टी, कि वो गिल्टी दोषी जो है दिखाई देगा। व्हाई डज क्लोडियस वांट टू बी लेफ्ट अलोन, वो अकेला क्यों रहना चाहता था? ए सो डैट ही एंड पोलोनियस कैन कन्फर्म अबाउट 14 ब्रास, बी सो डैट ही एंड पोलोनियस कैन डिसीव व्हाट टू डू अबाउट हैमलेट मूडीनेस, एंड सो डैट ही एंड पोलोनियस कैन वॉच हैमलेट एंड ओफीलिया इंटरैक्ट, एंड डी सो डैट ही एंड पोलोन कैन डिस्कस द स्कीमिंग प्ले। सो राइट आंसर इज सी, सो डैट ही एंड पोलोनियस कैन वॉच हैमलेट एंड ओफीलिया इंटरैक्ट, कि वो लोग चुपकर देख सके कि वो दोनों क्या बात आपस में कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई डू पोलोनियस एंड क्लोडियस ओवर ईयर हैमलेट डिस्कसिंग, उन्होंने क्या सुना? ए द लाइफ ही लेट एट स्कूल, बी हिज फीलिंग ऑफ मॉर्निंग, सी वेदर नॉट टू मैरी ओफीलिया, एंड डी वेदर और नॉट टू कमिट suicide. So right answer is D, whether or not to commit suicide. Now next is what does Ophelia give Hamlet? A her love, B a letter, C the gift he has given her, and D a rejection. So right answer is C, the gift he has given her. Now next is why does Hamlet call woman dishonest? Hamlet ne woman ko dishonest kyon kaha? A because they only care about money, B because they wear makeup and deceive man, C because he does not trust his mother, and D because he believed that women are inferior to men. So right answer is B, because they wear makeup and deceive men. Now next question is what does Claudius say he will do about Hamlet, ki wo Hamlet ke bare mein kya karega? A send him to England, B marry off to Ophelia, and C monitor his behavior closely. So right answer is A send him to England, ki wo se England send kar dega. Now next is why does Hamlet ask Horatio to do during the play? A monitor Ophelia's behavior, keep an eye on Gertrude, C pay attention to Paulina's movement, and D watch Claudius reaction. So right answer is D watch Claudius reaction, wo dekhna chahta tha ki play ke dauran Claudius ki kaise reaction hote hain. Next is how does Hamlet tears टीज ओफीलिया, वो उसे कैसे चिढ़ा रहा था? ए ही मेक्स इन अप्रोप्रिएट सेक्सुअल जॉक्स, बी ही टचिज हर, सी ही मेक्स वन ऑफ हर फैमिली, डी ही टेल हर डैट ही डजेंट लव हर। सो राइट आंसर इज ए, ही मेक्स इन अप्रोप्रिएट सेक्सुअल जॉक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द फोर्थ कमांडेटरी वर्स टू द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्ले 1623? ए चार्ल्स नाइट, बी जेम्स मैबल, सी जॉन वोल्फगन वॉन गोथ, एंड डी विल्सन नाइट। सो राइट आंसर इज बी जेम्स मैब, जेम्स मैब ने लिखा था। नाउ नेक्स्ट इज द पिक्टोरियल शेक्सपियर विच हैड अपियर इन पार्ट्स 1838-1841 इज अ वर्क बाय, किसके द्वारा लिखा गया वर्क है? ए चार्ल्स नाइट, बी जेम्स मैब, सी जॉन वोल्फगैंग वॉन गोथ, एंड डी चार्ल्स नाइट। सो राइट आंसर इज डी चार्ल्स नाइट, ये चार्ल्स नाइट के द्वारा लिखा गया वर्क है। नाउ नेक्स्ट इलीरिया इज द एग्जॉटिक सेटिंग ऑफ ट्वेल्थ नाइट इन विच अदर प्ले शेक्सपियर हैज़ रेफर टू दिस प्लेस एज अ साइट ऑफ पायरेट, तो उन्होंने अपने ट्वेल्थ नाइट में तो इसको यूज़ किया है, इसके अलावा उन्होंने अपने और कौन से प्ले में इसको इस साइट को दिखाया है? ए हेनरी फोर्थ पार्ट वन, बी हेनरी सिक्स पार्ट वन, सी हेनरी फोर्थ पार्ट थ्री, एंड डी हेनरी सिक्स पार्ट टू। सो राइट आंसर इज डी हेनरी सिक्स पार्ट टू में उन्होंने इलियारो को दिखाया है कि ये एक पायरेट साइट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मालवोलियोज अ कॉमेडी ऑफ हीरोरस और द इम्पोस्टर इज अ वर्स प्ले रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया प्ले है ये? ए एमिली सी ए सैंजर, बी जेम्स मैब, सी जॉन वॉल्स वन गॉथ, एंड डी चार्ल्स नाइट। सो राइट आंसर इज ए एमिली सी ए सैंजर।
Now next, Malvolio's Revenge is a popular fictional work by A. Emily Cinder, B. James Mabb, C. Goethe, and D. Sophia Messam. So right answer is D. Sophia Messam. Next is, who published Oxford Lecturer on Poetry 909, which include an essay on Shakespeare, Antony and Cleopatra, and an essay entitled Shakespeare the Man? A. A. C. Bradley, B. James Mabb, C. Goethe. So right answer is A. A. C. Bradley. Now next, who is the author of Shakespearean Tragedy 1904, which center on Shakespeare's four great plays, King Lear, Othello, Hamlet, and Macbeth? A. A. C. Bradley, B. James Mabb, C. Goethe, and D. Sophie Messam. So right answer is A. A. C. Bradley. Now next question is, who originated the term problem play with regard to Shakespeare's A Few Play? A. C. Bradley, B. James Mabb, C. Goethe, and D. Frederick Bowes. So right answer is D. Frederick Bowes. Now next is, which of the following Shakespearean scholar in 1875 wrote Shakespeare, a critical study of his mind and art? A. Charles Knight, B. Edward Dowden, C. John Goethe, and D. Wilson Knight. So right answer is B. Edward Dowden. Next is, Wordsworth treated nature as a living personality, lifeless object, non-living personality, and D. None of these. So right answer is A. Living personality. So this is my last question. Thank you for watching. Please like and subscribe for more videos. Thank you.